इतनी देर से मैं सोच रही थी कि आप कविता पर ताली बजा रहे हो, पर ये अब कंफर्म हुआ कि आप मच्छर उड़ा रहे हो। सही बात है, अभी आप मच्छर की कविता सुन रहे थे। वही जन्नत बसा डाली जहां पर भी गया मच्छर। वही जन्नत बसा डाली जहां पर भी गया मच्छर, अमृत समझकर लहू को भी पी गया मच्छर। अमृत समझकर लहू को भी पी गया मच्छर। और अमित जी, अगर आपको काटता तो शायद मर गया होता, जिया को काट कर जिंदगी ही जी गया मच्छर। क्या बात है। नमस्ते, मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी। पदम जी के जलवे आपने अभी देखे कि इनके हाथ में कंपन बहुत रहता है, बीपी से कांप रहे थे, 82 के हैं, कि इनके हाथ में कंपन बहुत रहता है बीपी से, मगर मोहब्बत के ये मोती फिर भी चुन लेते हैं सीपी से। क्या बात है। मोहब्बत मोहब्बत के ये मोती फिर भी चुन लेते हैं सीपी से, और नशे में झूम कर स्क्रीन को जब जूम करते हैं, नशे में झूम कर स्क्रीन को जब जूम करते हैं, इनका दिल बहलता है हसीनाओं की डीपी से। पदम जी, इतना अच्छा आपने पढ़ा, चार पंक्तियां आप मेरी सुनिए कि हमराह हूँ किसी की, अकेली नहीं हूँ मैं। हमराह हूँ किसी की, अकेली नहीं हूँ मैं, अलबेले होंगे आप, अलबेली नहीं हूँ मैं। अलबेले होंगे आप, अलबेली नहीं हूँ मैं, और मुझमें चाह कर रत्ती भी शामिल हो नहीं सकते, मुझमें चाह कर रत्ती भी शामिल हो नहीं सकते, मोहिनी हूँ मैं, कोई चुनावी रैली नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। और ये नकली शायर, कॉमेडियन प्लस शायर, तुम अपना जोनर तय करो, नहीं तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। चार पंक्तियां सुनो कि न जाने देख कर किसको इंस्पायर हो रहे हो। न जाने देख कर किसको इंस्पायर हो रहे हो, छोटे मोटे चुटकुले हो सटायर हो रहे हो। आखिरी चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। जिया, मैं भी समझती हूँ सेट पर यहाँ कई ऐसे कीपैड होंगे जो एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करते होंगे। जब भी कभी ऐसा हो तो मेरी ये चार पंक्तियां तड़ाक से चिपका देना, सुनना जी। कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। क्या बात है, क्या बात है। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या बात है। जिया, इनके आत्मविश्वास को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आप हाँ। नहीं जानती हो कि ट्रांसफॉर्मर पुराना हो चाहे बिजली पैदा ना करे, लेकिन समय समय पे करंट जरूर मारता है। थैंक यू भुवन मोहिनी जी, आप इतनी ठीक है। थैंक यू। आजकल तुमने देखा लोग ऑनलाइन सर्च कुछ ज्यादा ही करने लग गए। अमित सर, ऑनलाइन सर्च के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे आपने मुझे ढूंढ लिया स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए। ये तो है। ये बराबर है, तो फिर यहाँ आके साबित भी कर दो कि हमारा सर्च कामयाब हुआ कि नहीं। प्लीज वेलकम कृष्णा पांडे फ्रॉम उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं एक बार घर गया, मुझे लगा इज्जत मिलेगी। मैं वहां दुकान में गया, मैंने समोसे खाए, मैंने कहा समोसे में मजा आ गया। कहने लगे चटनी कैसी लगी। मैंने कहा चटनी में भी मजा आ गया। कहने लगे मेहनत करो, जिंदगी में मजा आएगा। मैं घर गया और पापा मेरे को बता रहे हैं कि आज मैं कहीं जा रहा था, किसी ने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कार खरीद लूँ। मैंने कहा आप रेनकोट भी खरीद सकते हो। कहने नहीं नहीं नहीं, FD पूरी हो गई है, अब मैं कार ही खरीदूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो पापा ने ना कहा सर्च कर, और मैंने सर्च किया बेस्ट कार इन द वर्ल्ड,
$4.5 billion की कार आई। पापा ने कहा ये कार हम खरीदेंगे तो हमें 20-30 साल तक भूखा रहना पड़ेगा। मैंने कहा पापा आप टेंशन मत लो, हम 25 दिन में ही भूखे मर जाएंगे। फिर हमने सर्च किया बेस्ट कार इन द वर्ल्ड इन 5 लाख बजट। सर्च का रिप्लाई आया या बेस्ट हटा लो या बजट बढ़ा लो। कार घर में आ गई थी, मेरे एक दोस्त आ गया चल कहीं घूमने चलते हैं। हम घूमने गए, वहां टक्कर हो गई कार की तो हम सही कराने गए। फिर मैं घर पहुंचा, मेरी पिटाई होने लग गई काफी खतरनाक, पापा मुझे मार रहे हैं लगातार। मम्मी ने कहा ये कार की तो टक्कर हुई है, ये तो सही है। पापा कह रहे तभी तो मार पा रहा हूं। थैंक यू सो मच। ऐसा अमित भाऊ मी तुम्हाला सांगते, बच्चों के जीवन में ना एक समय आता है जब सब कुछ बेकार लगता है। हाँ वो 16 साल की उम्र है ही ऐसी, सब बेकार लगता है आदमी को। मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं समय की बात कर रही हूँ, वो समय जब बिना पढ़ाई किए एग्जाम देने जाते हैं बच्चे और फिर रिजल्ट आने के बाद मिठाई की जगह बाप की मार खाते। हाँ पर उसमें पूरी तरह से बच्चों का भी कसूर नहीं होता, क्योंकि कई बार कुछ सब्जेक्ट ही ऐसे जिसमें अकल कम और नींद ज्यादा आती है। राइट, तुम बैठो मैं बताता हूँ यार। देखो आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ ना, उसमें आप हंसो वो अच्छा है, पर आप जागते भी रहो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडीज़ पढ़ा है स्कूल में, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, ये ऐसा सब्जेक्ट होता था जिसमें आदमी की आंखें नहीं खुलती। हिस्ट्री की टीचर मुझे लगता है वो बनती भी मजबूरी में है। चलो और कुछ नहीं कर रहे, हिस्ट्री पढ़ा लेंगे, वो पढ़ा लेंगे। हमारी तो टीचर ना वो पढ़ाती नहीं थी, वो पढ़वाती थी हिस्ट्री। जैसे ये क्लास है ना, वो आएगी और बोलेगी हाँ आप खड़े हो जाओ, चैप्टर 3 पहले 3 पेजेस पढ़ो। करवाया हो तुमसे कभी? अब तुम खड़े होके पढ़ रहे हो और टीचर सो रही है। और क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो तुमको बता रहे हैं कि अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गया था। मैं कहा वो राजा इसलिए बन गया था क्योंकि वो हिस्ट्री की क्लास 12 साल की उम्र में अटेंड नहीं कर रहा था। हमें थोड़ी आज़ादी तो दो। हड़प्पा मोहनजोदारो, राइट, पढ़ा होगा। हड़प्पा मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था, नालियों में पानी नहीं खड़ा होता था, उनके फ्लश सही चलते थे, सब कुछ। मैं कहा ये हमको मत बताओ, ये हमारे म्यूनसिपैलिटी वालों को बताओ, उनको पढ़ाओ। वो 2500 साल पहले सही बना रहे थे, यहाँ हमारी आज की डेट में नालियाँ रुकी हुई हैं। इनको भेजो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हमें क्यों भेज रहे हो? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।